राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। मेरे चेहरे पे है तो स्माइल, पर दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि क्या बताओ और क्या नहीं बताओ। ऐसा हो रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, क्या चल रहा है हम लोग के साथ। आप लोग को याद है जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोग को यही कहा था कि ये रथ सप्तमी वाला डे है, जो लास्ट दिन ऑफ हल्दी कुमकुम होता है, वो व्लॉग आप लोग के पास बहुत लेट आ रहा है। उसका भी एक रीज़न है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताऊंगी। तो ये एक्चुअली मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। यस, हम लोग ने कल सुबह 11 बजे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अभी मैं स्कूटी से जा रही हूँ, मेरे पास स्कूटी है ना, इसलिए लाइफ मेरा इतना इजी हो जाता है ना कि बस बिल्डिंग से नीचे उतरो, स्कूटी लिया और जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। मतलब एक टाइम पे मैं मल्टीपल काम करके आ सकती हूँ, वरना रिक्शा स्टैंड तक जाओ, रिक्शा लो यहाँ से वहाँ के लिए, रिक्शा कभी कभी रिक्शा आते नहीं आते, मिलता है नहीं मिलता है। तो स्कूटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आपके पास होना ही चाहिए। इसलिए आप लोग सब स्कूटी चलाना ज़रूर सीखना अगर आप लोग को नहीं आता है तो, या तो फिर एक्टिवा, जो भी आपको पसंद है। मेरे हाइट के और वेट के हिसाब से मैं स्कूटी एकदम कंफर्टेबल फील करती हूँ। और मैं सानू को भी अभी लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। ये दोपहर का टाइम है, तो मम्मी का हेमोग्लोबिन हो गया बहुत लो। हम लोग ने जितने बार भी ब्लड टेस्ट करा उसमें सब में मम्मी का हेमोग्लोबिन लो आ रहा है। तो ये मम्मी के लिए अभी हम लोग खाना लेके जा रहे हैं इसमें हॉस्पिटल में। ऑलरेडी निशु वहाँ पर है मम्मी के पास, तो मैं खाना लेके जा रही हूँ। तो मेरे साथ सानू भी आना चाहती है, तो मैं सानू को लेके जा रही हूँ। और अभी ये शाम का टाइम है, अभी शाम को मैं और सानू फिर से जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फ्रूट्स लेके, शाम के टाइम का फ्रूट लेके। और मम्मी का हेमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उनको एडमिट करना ही ज़रूरी है। उनको 3 से 4 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लो हो चुका है, एंड इट इज़ वेरी रिस्की उनको घर पे रखना। इसलिए मम्मी को वीकनेस आ रहा है और बेड सोर भी जो हुआ है ना, वो हील जल्दी नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि खून कम है। तो इसलिए हम लोग ने फिर फाइनली डिसीजन ले लिया लास्ट नाइट वेनसडे के रात को कि यस, हम लोग मम्मी को एडमिट कर लेंगे और 4-5 दिन में मम्मी घर आ भी जाएगी। तो इसलिए फिर हम लोग ने थर्सडे को एडमिट किया। लेकिन थर्सडे का दिन इतना हॉचपॉच था, सुबह हॉस्पिटल गए, फिर एडमिट किया, फिर सारा पेपर वर्क, फिर घर आना, डैडी को देखना। तो उस दिन ना कुछ व्लॉग शूट भी नहीं हो पाया, और उस दिन मैं फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं थी व्लॉग शूट करने का। एंड दिस इज नेक्स्ट डे, दिस इज सैटरडे। यस, ये मैंने ना गाउन का लाइव किया, हार्डली 30 to 40 मिनट्स का ही लाइव किया था। बहुत सुंदर कलेक्शन था, ये सारे मेरे बुकिंग के गाउन से जो बुक हो चुके थे, और वो भी बुक हो गया है। और बाकी जो बचा है 6 से 7 पीस कुछ बचा है, वो रिटर्न, देखिए ये सारे गाउन्स में लेकर आई थी। फुल शोरूम पीस था कॉटन का, और बहुत सुंदर पैटर्न था, जंबो साइज, ये जंबो साइज वाला है, कुछ 500 रुपीज का फुल जंबो साइज का था, जो 52-54 साइज वालों को भी हो जाएगा। और ये ऐसे प्लेन कॉटन वर्क के भी आए थे। एक्चुअली ये मैं ना वेनसडे को दोपहर को ही लेकर आ गई थी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मम्मी एडमिट होने वाली है तो मैं ये लाइव नहीं करती, कैंसिल करती, बट मैं लेकर आ चुकी थी तो मुझे करना ही था। इसलिए मैंने ना फट से जैसे तैसे मैनेज करके एक आधे घंटे से 40 मिनट्स का लाइव ले लिया। बट टचवुड लाइव अच्छे से गया, कलेक्शन भी जितना मैं लेकर आई थी उसमें से काफ़ी सारे पीसेस सोल्ड आउट भी हो गए। तो अभी मुझे इन सब का पैकिंग करना है, इनको वापस ठीक से घड़ी करके रखना है, उसके बाद वापस मम्मी का खाना लेके निशु जाएंगे हॉस्पिटल, और मैं बाद में जाऊँगी शाम को दोपहर के बाद। तो अभी क्या बोलते हैं ना, सब मैनेज करना पड़ रहा है, घर काम, सानू का पढ़ाई, उसका एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तभी मैंने जो जो पीसेस सोल्ड आउट हो गए थे उसकी मैं एंट्री करके रख रही हूँ, ताकि जब मैं वेंडर के पास रिटर्न देने जाऊँ तो मुझे इजी हो जाए टैली करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रख दो, और सोचो ना 2-3 दिन के बाद मैं उसको टैली करूंगी और फिर वेंडर को दूंगी, तो आधी चीज़ें तो भूलने के लिए हो जाता है। इसलिए मैं इमिजिएटली ये काम करके रख देती हूँ कि कौन सा पीस सोल्ड आउट हो गया, कितने का था, क्या प्राइस का था, ताकि बाद में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ना वेंडर को प्रॉब्लम हो। सीधा जाके दे दो और बता दो ऐसा ऐसा इतने इतने का है, तो ईजी हो जाता है। तो ये बिहाइंड द कैमरा वाला वर्क है जो मैं आफ्टर लाइव करते रहती हूँ, जो मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में भी दिखाया था कि इट इज़ नॉट ईजी लाइव करना, सामान लाना, दिखाना, घड़ी करना, पैकिंग करना, वेंडर को देना, पूरा काउंटिंग करना, टैली करना, फिर पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना, तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में बोल रही थी, क्या बताओ, क्या नहीं बताओ, कैसे बताओ, मेरे दिमाग में इतना कुछ क्या क्या चल रहा है। प्लस मम्मी को 3 बॉटल हो गया है, अभी शायद मम्मी संडे को रात को या तो फिर ना मंडे को डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अभी तो बेटर है, 3 बॉटल चढ़ाने के बाद मम्मी का हेमोग्लोबिन 8 क्रॉस हो चुका है, बट मेरे ख्याल से 4th वाला भी लगेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनका जो हेमोग्लोबिन है 10 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, 10 या तो 10 के ऊपर जाना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, फिर उसके बाद हम उनको घर में डिस्चार्ज कर सकते। तो शायद संडे को 4th बॉटल लगेगा, विच इज़ टुमारो, आज सैटरडे, आज 3रा बॉटल लगा हुआ है, 4th बॉटल
संडे को लगेगा, और फिर शायद संडे को रात को या तो फिर मंडे को मम्मी को डिस्चार्ज दे देंगे। सिर्फ हेमोग्लोबिन का इश्यू, उसके अलावा तो मम्मी बेटर है, पहले से तो बहुत बेटर है, बैठ रही है, थोड़ा सा चल फिर रही है, तो लेकिन अभी भी उतनी बेटर नहीं हो गई कि मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा सकूँ। आई थिंक मम्मी को व्लॉग में आने के लिए और काफ़ी महीने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही मम्मी शायद व्लॉग में आएगी। और ये कॉटन गाउन्स के कलेक्शन इतने सुंदर थे ना, इनका प्रिंट, कलर, मटेरियल बहुत अच्छा था। इसमें से ऑलमोस्ट 80% जो गाउन का कलेक्शन था मुझे बहुत पसंद आया। और अभी ये रात का टाइम है, रात को आज मम्मी को सिंपल मूंग का खिचड़ी और ये हल्दी वाला दूध में लेके जा रही हूँ। मतलब पहले मम्मा खिचड़ी खा लेगी और थोड़े टाइम के बाद, मतलब सोने से थोड़े पहले, ये थर्मस में मैं लेके जाऊँ जिसमें वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। सानू का थर्मस है, जब सानू छोटे थे ना तब से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वो वाला थर्मस है, अच्छे ब्रांड का, इसलिए इतने साल तक अच्छे से चला। तो ये गर्म गर्म दूध मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आराम से मम्मी बोलते ना खाना खाने के बाद थोड़ा गैप के बाद दूध पी के फिर सो जाएगी। और रात के टाइम पे मम्मी को हम लोग लाइट खाना ही देते हैं, डे टाइम पे मम्मी को ऐसा प्रॉपर खाना खिला लेते हैं जिसमें मतलब दाल, राइस, भाजी, सैलेड, चपाती सब होता है। रात को उनको एकदम हल्का लाइट खाना खिलाते जिससे उनको वॉमिटिंग वगैरह ना हो और अच्छे से उनको नींद आए। और दूध देती हूँ ताकि उनको पेट में गर्मी ना हो, क्योंकि इतना सारा मेडिसिन चालू है। मम्मी तो मना करती दूध लेके मत आ, फिर भी मैं जबरदस्ती लेके जाती हूँ कि भले ज़्यादा नहीं, ये देखिए कप इतना छोटा सा है, इसमें कितना क्वांटिटी आएगा, इतना दूध तो पीना ही चाहिए, ऐसा बोल बोल के ना हम लोग मम्मी को दूध पिला लेते हैं। और हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, आपके बोलते ना बॉडी को हील करता है, कुछ भी जख्म वगैरह रहता है उसको हील करता है, एंटीसेप्टिक है। पाउडर से ज़्यादा तो बेटर वो कच्चा वाला जो हल्दी मिलता है ना, जो अदरक के जैसा मिलता है, वो बहुत औषधि होता है। मतलब अभी मुझे टाइम नहीं मिला है स्टेशन जाके लाने के लिए, अगर मिलेगा टाइम तो मैं जाके लेकर आऊँगी और फिर मम्मी को वो वाला हल्दी का दूध दे दूँगी। और अभी वापस सानू मेरे साथ हॉस्पिटल आने वाली है। एक्चुअली ये बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ना, नॉर्मल सा हॉस्पिटल है, तो इसलिए सानू वहाँ पर आ पाती, मतलब सानू को हम लोग अंदर नहीं लेके जाते, सानू बाहर रिसेप्शन एरिया पर बैठी रहती है मोबाइल के साथ या तो फिर कुछ ड्राइंग का लेके जाती है। तो ये सानू का स्कूल का टिफिन बैग है, हम लोग इसमें टिफिन कैरी करते हैं अभी मम्मी के लिए, क्योंकि इजी हो जाता है। तो मैंने उसमें खिचड़ी, दूध और बाकी एक बिस्किट का पैकेट भी रख दिया है और ड्राई चूड़ा रखा है कि इनकेस मम्मी को रात को अगर भूख लगे तो शी कैन हैव दैट। और बस आई होप संडे को या मंडे तक मम्मी आ जाए, उसके बाद बेटर फील करे। मम्मी को हम लोग अनार का जूस, गाजर का जूस, ऐसा जो भी पॉसिबल हो रहा है ना उस तरह से कोशिश करें कि मम्मी को जितने से जितना जल्दी हो सके रिकवर कर सके। आई होप आप लोग को ये सिंपल वाला व्लॉग पसंद आया होगा, मतलब मेरे पास और कुछ इससे ज्यादा है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैं जितना हो सके वो ऐसे ऐसे शूट करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रही सानू, रात का टाइम है, उसका थोड़ा मूड बिगड़ गया था, उसको कुछ तो चाहिए था जो मैंने नहीं दिया, तो इससे उसका मूड बिगड़ गया, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। पता नहीं क्या सानू कुछ तो मांग रही थी, मैंने उसको मना किया इसलिए वो एकदम ऐसे गुस्से में लेट गई थी। लेकिन सानू जल्दी से ना मान भी जाती है, गुस्सा भी उसका जल्दी चला जाता है, पर उसको गुस्सा भी आता बहुत जल्दी है, बट वो बहुत प्यारी है, क्यूटी सी है। तो एनीवेज ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अभी मंडे से ना सानू के पेपर्स है, मराठी का पेपर है, हाँ मराठी का पेपर है, तो उसका मराठी का तो ऑलमोस्ट बहुत सारा रिवीजन हो भी गया है। टेंशन तो मुझे सिर्फ इंग्लिश के पेपर का है, बाकी सारा सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है सानू का। हिंदी, मराठी, ईवीएस और मैथ्स एकदम अच्छा है, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि पोर्शन बहुत बड़ा है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स है, बट फिर भी हो जाएगा। तो चलिए मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मम्मी अभी बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, जस्ट प्रे करना कि मम्मी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जैसे आप लोग ने इतना सारा प्यार हम लोग को दिया है, ब्लेसिंग दिया, उस तरह मम्मी के लिए भी जरूर प्रे करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, गुड नाइट।